श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमान कान्हा सिंह जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है, दो पग चले चार लटकाए, तीन मुड़ दो नैना, मेरो बन गयो बलम खिलौना। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। और जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि सबसे पहले आप सुंदर सा ज्ञानात्मक वीडियो हमारा प्राप्त कर सकें। तो आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान कान्हा सिंह जी की पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो पग चले चार लटकाए, तीन मुड़ दो नैना, मेरो बन गयो बलम खिलौना। श्रोताओं, बहुत ही सुंदर पहेली। ये पहेली कहाँ जाके लगेगी? दो पग तो चल रहे हैं, दो पग चले चार लटकाए, चार पग लटका रहे हैं। दो पग चले चार लटकाए, तीन मुड़ दो नैना। तीन सिर हैं, तीन मुड़ हैं और दो नैन हैं। तो श्रोताओं, अब आप श्रीमान जी की कान्हा सिंह जी की पहेली का अर्थ सुनिए। प्रसंग उस समय का है जब एक दिन श्रवण कुमार की पत्नी एक कुमार के पास गई। कुमार से बोली, अरे ओ कुमार, एक ऐसी हांडी बना के तैयार करो जिसमें दो पेट हो। कुमार ने ऐसा ही किया, एक हांडी में दो पेट बना दिए। श्रोताओं, उस हांडी को लेकर के घर आ गई। एक में तो उसने खीर बनाई अपने लिए और अपने पति के लिए, लेकिन जो दूसरा पेट था उसमें दलिया बनाया। शाम हुई, श्रवण कुमार आया तो श्रवण कुमार की पत्नी ने श्रवण कुमार के लिए खीर परोसी और अच्छी सी रोटियां बनाई। श्रवण कुमार बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता के लिए उसी हांडी में से वो दलिया निकाल करके ले गई। उसके माता पिता दलिया खा रहे थे, वो भी बिना दूध के, रूखा सूखा। श्रोताओं, श्रवण कुमार ने समझा, मेरे माता पिता भी खीर खा रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसका यही रोज का कार्य। लेकिन एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के पास जाकर के बैठ गया और कहा, आज हम तीनों ही साथ साथ खा लेते हैं। श्रोताओं, श्रवण कुमार के लिए खीर बन के आई और उसके माता पिता के लिए वही रूखा सूखा सा दलिया। अब तो जैसे ही श्रवण कुमार ने दलिया देखा तो श्रवण कुमार दुखी हो गया। श्रवण कुमार माता और पितृभक्त तो था ही था, उसके माता पिता अंधे थे। उसने माता पिता से पूछा, पिताजी ये क्या चीज है? तो उसके माता पिता दोनों बोले, हम तो बेटा रोज ही यही खाते हैं। श्रवण कुमार स्वयं गए और उनके लिए खीर लेके आए, खीर खिलाई और एक कावड़ बनाई। कावड़ बना करके अपने माता पिता को कंधों पर लटका करके चलने लगे। तो श्रवण कुमार की पत्नी कह रही है, दो पग चले चार लटकाए, तीन मुड़ दो नैना, मेरो बन गयो बलम खिलौना। अरे देखो, ये मेरा बलम तो खिलौना बना जा रहा है जबरदस्ती से, क्यों इनको लटका के ले जा रहा है? ये पहेली श्रोताओं इसी जगह पे लगती है।
श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब कावड़ में तो तराजू में लटका करके ले जा रहा था, तो श्रवण कुमार दो पग चले, श्रवण कुमार जी के दो पग चल रहे थे, दो पग चले चार लटकाए, चार पग लटका रखे थे, अर्थात दो उसके पिता के और दो पैर उसकी माता के, दो पग चले चार लटकाए, तीन मुंड दो नैना, तीन मुंड दो तो उसके माता पिता के और एक स्वयं श्रवण कुमार जी का, तो दो पग चले चार लटकाए, तीन मुंड दो नैना। अब श्रोताओं ऐसा कहते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उनकी आंखों की गिनती यहां नहीं की गई है। हालांकि आंख तो होंगी लेकिन वो अंधे थे, कुछ दिखता नहीं था, इसलिए उनकी यहां गिनती नहीं की गई है। दो पग चले चार लटकाए, तीन मोड़ दो नैना, यहाँ केवल दो नैनों की गिनती की गई है। श्रवण कुमार नेत्र वही जिनसे जग दीख है, तो केवल दो नेत्र थे जो संसार सागर को देख सकते थे। इस प्रकार से श्रोताओं ये श्रीमान कान्हा सिंह जी की पहेली यही लगती है, दो पग चले चार लटकाए, तीन मुंड दो नैना, मेरो बन गए बलम खिलौना। और वो पत्नी कह रही है, अरे ये देखो मेरा बलम तो खिलौना बन गया है, ये कितना मूर्ख बना जा रहा है, इनको कहाँ ले जा रहा है, इसको देखो कैसे अपने माता पिता को इन्होंने लटका रखा है, ये तो ऐसे समझो एक खिलौना बना हुआ है। तो श्रोताओं श्रीमान कान्हा सिंह जी की पहेली यही लगती है। और अब हम कई दिनों के बाद आज पुनः उपस्थित हुए हैं, तो श्रोताओं आज फिर कोशिश करेंगे हम आपके लिए नई नई और ऐसी प्रकार की सुंदर सुंदर पहेलियां लाने का। जो भी आपने पहेलियां पूछी हैं वो पहेलियां इकट्ठी हो गई हैं, हम उन पहेलियों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और श्रोताओं भक्ति ज्ञान सागर चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है, ये आपका अपना चैनल है। यदि आप भी किसी पहेली का जवाब देकर भेजते हो तो आपका नाम सहित आपकी पहेली इस भक्ति ज्ञान सागर चैनल पर प्रसारित की जाएगी और उसमें आपका नाम लिया जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, बोलो जय श्री राम।